नमस्ते, मेरा नाम दीपिका है। मैं सालमेर एडेड कॉलेज स्कूल की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने गीता के श्लोक सुनाना चाहती हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. शासक शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल को 17वीं शताब्दी में मुगल शासक शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसे बनाने में तकरीबन 20 वर्ष और 20,000 कारीगर लगे थे। बच्चों, क्या आपको पता है शाहजहां का अर्थ द किंग ऑफ द वर्ल्ड होता है? क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है ताजमहल कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छे। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल को बनाने में जो बहुमूल्य रत्न प्रयोग हुए हैं वो भिन्न भिन्न देशों से मंगाए गए हैं। ताजमहल पूर्णिमा के दिनों में बहुत ही भव्य और सुंदर दिखाई देता है। ये हमारे देश की एक अतुलनीय धरोहर है, हमें इसे संभाल के रखना चाहिए। ताजमहल तो मुझे बेहद पसंद आया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ताजमहल को थोड़ा मैला सा निपट गया है। हाँ हर्ष, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। प्रदूषण और अपर वर्षा, इनके कारण ही हमारे ताजमहल भव्यता और सुंदरता दिन ब दिन नष्ट होती जा रही है। और उन्हें कितना बुरा लगेगा। इसी तरह हमारे सर्वों को
देखने के लिए देश विदेश से लाखों सैलानी आया करते हैं। अगर वे हमारे स्मारकों को गंदा देखेंगे तो वह हमारे लिए और उनके लिए कितने शर्म की बात होगी ना। माफ कीजिए। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जामा मस्जिद में भी हमने देखा कि लोग वहाँ अपने नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ इसी तरह कूड़ा फेंक रहे हैं। यह तो बहुत बुरी बात है ना कि यह नहीं जानते। जामा मस्जिद, ताजमहल और अन्य स्मारक हमारे देश की आन बान और शान है। अधिक के प्रतीक हमारे स्मारक, क्या खूब सिला दिया है हमने इनको? क्या खूब नाम रोशन किया है हमने? क्या ऐसी सौगात हम दे जाएंगे आने वाली पीढ़ी को? शिक्षिका, जामा का भी कुछ सारा जाने बनवाया है ना? हाँ हाँ महेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अले अले, हमारा गाइड कहाँ गया? अब हमें दामा मंदिर के बारे में और जानकारी कौन देगा? अरे जनाब, चिंता क्यों करते हो, हम है ना। आप कौन? मैं अब्दुल, यहाँ का गाइड। आपको जामा मस्जिद की जानकारी देना चाहूँगा। जामा मस्जिद का अर्थ है शुक्रवार मस्जिद। यह भारत देश की सबसे विशालकाय मस्जिदों में से एक है। इसे बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया है करीब 1644 से 1656 में। इसका निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ है। आपको मालूम है बच्चों, इसके आंगन में लगभग 25,000 लोग एक साथ इबादत कर सकते हैं। इसे लगभग 5,000 कामगारों ने बनाया था। इसे बनने में लगभग 12 साल लगे थे। इसे मजहब में महात्मा भी कहा जाता था। आज हम दोनों प्रण लेते हैं। तुम दोनों नहीं, हम सब प्रण लेते हैं। आने वाली पीढ़ी को भव्य भारत सौंपे। ऐसा साफ स्वच्छ भारत जिस पर नाज हमें होगा। स्मारकों की सुंदरता और भव्यता की हिफाजत हम करेंगे।